हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंक्लूड और रिक्वायर के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, अदरवाइज ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। सो इंक्लूड वंस का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इतना आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा बिकॉज आपने मेरा पिछले वीडियो देखा, इसको सेव कर लिया मैंने। सेव करने के बाद इसको अगर आप रन करते हैं तो आपको यहाँ सारी चीज़ें आउटपुट मिलती है, हेडर, मेन कंटेंट, फुटर। अगर ये इंक्लूड फाइल आप दो बार यहाँ लिख देते हैं, सेव किया मैंने और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो दो बार हेडर आपको देखने को मिलता है। आप तीन बार अगर पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको तीन बार मिलेगा। अगर आप चार बार करेंगे तो आपको चार बार मिलेगा। ये इंक्लूड लिखने की वजह से होता है, बार बार ये इंक्लूड करता है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा आपको करना पड़ेगा कि सिर्फ एक बार ही इंक्लूड करे। मैं चाहे गलती से या फिर इंटेंशनली जितनी बार भी इस फाइल को इंक्लूड करूं अपनी सेम पेज में, वो उतनी बार इंक्लूड ना करके सिर्फ एक बार इंक्लूड करे। तो वह कैसे करते हैं, उसके लिए आपको सिंपली लिखना है इंक्लूड वंस। यहाँ इंक्लूड की जगह पर आपको लिखना है इंक्लूड वंस। इस तरीके से आपके इसमें भी चेंज कर देते हैं, इंक्लूड वंस सेव किया मैंने। सेव करने के बाद अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको सिर्फ एक बार ही हेडर देखने को मिलेगा। चाहे आप इस इंक्लूड वंस को नंबर ऑफ टाइम्स कॉपी पेस्ट कर लीजिए, लेकिन ये आपको एक बार ही देखने को मिलेगा, एक से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो आपको सिर्फ एक बार ही मिलेगा जो आपने फर्स्ट टाइम पेस्ट किया जहाँ पर वहीं पर। ओके, सो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि इससे आपका जो पेज लोडिंग टाइम होता है वो जो पेज लोड होने का जो टाइम होता है वो रिड्यूस होता है। फास्ट आपका पेज लोड होता है बिकॉज आप बार बार इंक्लूड ना करके सिर्फ एक बार इंक्लूड करते हैं। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप जब भी इस तरीके के फाइल्स इंक्लूड करें तो इंक्लूड वंस का इस्तेमाल करें। सेम चीज़ रिक्वायर के साथ भी होता है। अगर आप रिक्वायर वंस लिखते हैं तो वो सिर्फ एक बार ही रिक्वायर करने का अपना अलार्म देता है, बजाय बार बार रिक्वायर रिक्वायर करने के लिए। ठीक है, सेम वही है रिक्वायर। बाकी रिक्वायर फाइल और पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने इंक्लूड और रिक्वायर का अपना डिफरेंस देखा है वो तो है ही, साथ में यहाँ जो है वो ये सिर्फ वंस के लिए अपना नियम लागू करता है। सेव कर दिया मैंने, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, रिक्वायर अगर आप करते हैं बंच ऑफ टाइम, इसको मैंने रिक्वायर किया, देन यहाँ भी रिक्वायर, यहाँ भी रिक्वायर, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अगर इसको रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ हेडर हेडर थ्री टाइम्स हेडर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप रिक्वायर वंस कर देते हैं, यहाँ पर आपको रिक्वायर वंस करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको रिक्वायर वंस करना पड़ेगा। इस केस में ये सिर्फ एक बार ही आपको दिखाएगा। अगर रिक्वायर्ड है बट एक बार रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है मतलब अगर ये फाइल नहीं मिलेगा तो रेस्ट ऑफ द कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक बार रिक्वायर है, सिर्फ एक बार उसको मिल गया तो बाकी के कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये होता है इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस में। और ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअली में रिकमेंडेड है कि आप इनका इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, द रिक्वायर वंस स्टेटमेंट इज आइडेंटिकल टू रिक्वायर एक्सेप्ट पीएचपी विल चेक इफ द फाइल हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड एंड इफ सो नॉट इंक्लूड रिक्वायर इट अगेन, नॉट इंक्लूड इट अगेन। पीएचपी चेक करता है कि पहले से कहीं इंक्लूड तो नहीं है, पहले से इंक्लूड है तो दोबारा उसको इंक्लूड नहीं करता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में, बाकी आप डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं अगर आपको एग्जाम में देना है तो। ये VS Code का एडिटर है, यहाँ आप सिर्फ कर्सर को ले जाएं तो वो डेफिनेशन आपको बेहतर तरीके से बता देता है, आप डेफिनेशन पढ़ के भी समझ सकते हैं। ओके, सो ये सिंपल सा एक एग्जांपल था इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस का। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंक्लूड और रिक्वायर का देखा था। मुझे उम्मीद है कि आपको मल्टीपल फाइल्स को हैंडल करना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप PHP में मल्टीपल फाइल्स को हैंडल कर सकते हैं इंक्लूड और रिक्वायर का यूज़ करके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा PHP का, एक प्रॉपर साइट बनाकर छोटा सा, और उसमें भी हम लोग मल्टीपल फाइल्स को हैंडल करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।